नमस्कार मित्रों, लोक पल्लोक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोहन लाल द्विवेदी की एक कविता, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में संघर्ष और विजय एक फलसफा है। आपके जीवन के एक सफलता और विफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में कभी उतार चढ़ाव बहुत से आते रहते हैं। यदि आप किसी कार्य को आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ प्रारंभ करते हैं तो आगे चलते चलते आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, जिसके कारण जो है कि आप विफल हो जाते हैं। बार बार की विफलता से आपके जीवन में उथल पुथल मच जाता है, क्योंकि समाज की नज़रों में आप गिरने लगते हैं। आपके जो मित्र हैं, मित्र मंडली है, समाज है, परिवार है, उसकी नज़रों में आप जो है कि गिरने लगते हैं, जिससे आपका मनोबल भी गिर जाता है। लेकिन मित्रों, मेरा कहना यही है कि इसी के बीच में आप अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता को, मनोबल को हमेशा बनाए रखें। यदि आप अपने मनोबल को गिरने नहीं देंगे और कर्तव्य पथ पर एक लंबे समय तक आगे बढ़ने की आकांक्षा आपके मन में प्रबल रहेगी, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जो टैलेंट है, जब आपकी योग्यता है, आपकी मेहनत है, उसको सम्मान मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे कि आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। प्राचीन समय में एक धोबी था। उसने अपने कारोबार के लिए एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। चूंकि कपड़े का काम था, तो गधे को ही ग्राहकों के पास कपड़े लाद करके ले जाना पड़ता था। इसलिए धोबी गधे के खान पान पर विशेष ध्यान देता था। इससे जो कुत्ता था, उनका पालतू कुत्ता, वह बहुत ही उससे जलन महसूस करने लगा। और एक दिन जब घर में चोर घुस आया, तो धोबी सोया हुआ था और गधे ने जो है कि, क्योंकि गधा तो भौंकता नहीं है, तो कुत्ता का काम था भौंकना, तो कुत्ते ने सोचा कि चलिए आज मैं भौंकूंगा नहीं, देखते हैं। गधा का सेवा ये करता था मालिक, तो गधा कैसे चोरों से सामान को सुरक्षा करता है। और कुत्ते ने भौंकना नहीं प्रारंभ किया, तो गधे ने उसके कर्तव्य को याद दिलाया। लेकिन कुत्ते ने कहा कि तुम्हारी ज़्यादा सेवा होती है, इसलिए तुम ही चोरों को भगाओ। तो उसने ढेंचू ढेंचू करना प्रारंभ कर दिया। उसकी आवाज़ सुन करके जो चोर हैं, वह जो कि सामान रख करके भाग खड़े हुए। और उसकी आवाज़ से जब धोबी जगा और देखा कि मेरा सब सामान सुरक्षित है और सब कुछ सही सलामत है, तो उसके अपने गधे पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसकी नींद खराब हो चुकी थी और उसको खूब मार पड़ी गधे को। तो इस तरह से मार पड़ते हुए देख करके कुत्ता जो है कि खूब हंसने लगा। तीन चार बार इसी तरह की घटनाएं घटी और कुत्ता हंसता रहा और गधा जो है कि मार खाता रहा। एक बार जब चोर आया और सारा सामान लेकर जाने लगा, तो गधे ने सोचा कि हर बार जो है कि मैं मार खाता हूँ, चलिए इस बार मैं नहीं कुछ कर बोलूँगा। लेकिन जब दरवाज़ा खोल करके चोर जाने लगे, तो गधा से जो है कि बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने मालिक के स्वामी भक्ति के प्रति जो उसकी सुदृढ़ जो है कि जो आकांक्षा थी, कर्तव्य था, उसको उसके अंदर जो है कि जग गया और फिर ढेचू ढेचू वह कर बैठा। इस बार जो धोबी मालिक था, वह जगा और चोर चुकी तब वो आवाज़ उसकी सुनकर भाग चुके थे ढेंचू ढेंचू करके। तो जब वो जागे और देखा कि मेरा सारा सामान सुरक्षित है और दरवाज़ा खुला हुआ था, सारी गठरी दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी, तो मालिक जो था, जो धोबी था, वो सारा माजरा समझ गया और अपने गधे पर जो उसने पिछले कई बार मारा था, उसको बहुत शर्मिंदगी हुई और अपने गधे को सम्मान किया और अपने चोरों से सुरक्षा करने के लिए, सामान की सुरक्षा करने के लिए, उसको जो है कि और भी ज़्यादा मानने लगा। कुत्ते को जो है कि उसके न भौंकने पर उसके अपने घर से निकाल दिया और उसकी जगह पर दूसरे कुत्ते को रख लिया। इस तरह से मित्रों, अपने कर्तव्य को यदि आप लंबे समय तक करते जाते हैं, तो आपके जो कर्तव्यों को जो सम्मान एक बार जरूर मिलेगा और एक बार आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी, यह जो मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा। अगली कहानी में, अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए।